तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सालार और डंकी बुरी तरीके से सरवाइव कर रही हैं क्योंकि वर्किंग डेज ने इनको औकात दिखा दी है। क्योंकि भाई साहब 2023 में ट्रेंड चला है, ब्लॉकबस्टर मूवीज का ट्रेंड चला है, ना कि कोई छोटा मोटा सुपर डुपर हिट। भाई जो भी मूवी आई है 700 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 1100 करोड़ ऐसे ठोंक के गई है। तो भाई इन सब मूवीज के लिए एक मजाक सा रह गया था, और अभी जो सालार और डंकी के लिए इतना प्रेडिक्शन करा जा रहा था, खासकर सालार के लिए भाई 1000 करोड़, भाई 1500 करोड़ बोला जा रहा था, डंकी के लिए 1000 करोड़ बोला जा रहा था कि भाई साहब शाहरुख खान की तीसरी मूवी आएगी और तीसरी जो ईएमआई मारेंगे पठान जवान जैसे, भाई 1000 करोड़ एक ही साल में हैट्रिक, यानी एक ही साल में 3000 करोड़ का बिजनेस, वैसे वैसे जबरदस्त तरीके से बातें चलाई जा रही थी। लेकिन भाई अभी आते आते भाई मूवी की ग्रोथ, दोनों मूवी की ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से सरवाइव कर रही है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी मूवी को 13 से 14 दिन हुए हैं दोनों मूवीज को, और सिंगल डिजिट में इनकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुकी है। जबकि अगर मैं जवान और एनिमल मूवी से इसको कंपेयर कर लूँ या फिर लियो मूवी से कंपेयर कर लूँ, तो भाई साहब जब इनकी 13-14 दिन में कलेक्शन चल रही थी 20 करोड़ से नीचे नहीं आई थी, और जवान की तो लगभग 35 करोड़, 40 करोड़, 32 करोड़, 42 करोड़ ऐसे कलेक्शन देखने को मिल रही थी 14वें, 15वें, 16वें, 17वें दिन के आसपास, जबकि 19वें, 18वें दिन में मूवी ने 45 करोड़ के आसपास ठोक के मारा था जवान ने। एनिमल भी वहीं पर 25-30 करोड़ ऐसे सर्वाइव कर रही थी। लेकिन भाई सालार और डंकी, भाई दोनों मूवी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस ये है कि भाई जो ब्लॉकबस्टर का ट्रेंड चला है ना इस बार बहुत बुरी तरीके से चला है। अगर कोई भी मूवी इससे पहले इतनी सुपर डुपर हिट नहीं जाती तो इनको फुल फेवर मिलता, यहाँ जनता की, ऑडियंस की क्या कहते हैं, जेब भी ढीली हो चुकी है। दैट्स वाई कि भाई साहब इतना ही ज़्यादा इन्हें अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं देखने को मिली। बस आज का और डे है ये, अगर आज ये सर्वाइव कर जाती हैं फ्राइडे वर्किंग डे को, तो कल सैटरडे संडे पे ये उछाल मार जाएगा। अगर सैटरडे संडे पे ये उछाल मार गया तो यस ये अगले हफ्ते भी अच्छा सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन भाई सैटरडे संडे कल और परसों उछाल नहीं मार पाए तो ये मूवी की ग्रोथ दोनों यहीं की यहीं खत्म होते नजर आएंगी हमें 2-4 दिन के अंदर ही अंदर। तो क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल डे 14 की बात करते हैं, सालार से शुरुआत करेंगे और कल डे 14 की बात करेंगे। ऑक्यूपेंसी ओवरऑल रही है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट को मिलाकर 15% की। नेट इंडिया से 4.5 करोड़ का कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक सालार के नाम आते दिख रहा है 14वें दिन में। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 6 करोड़, ओवरसीज से 3 करोड़, पूरी दुनिया से 9 करोड़। तो पहले 14 दिन में नेट इंडिया से सालार कंप्लीट करते नजर आ रही है अपने खाते में 378 करोड़ 17 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 447 करोड़, पूरी दुनिया से 680 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में लेते नजर आ रही है, जो अभी भी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि भाई साहब सैकनिक वालों का कहना है कि ये 100 करोड़ फालतू दिखा रहे हैं, लेकिन भाई जो ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से आ रही है वो 680 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है आंकड़ा। तो आज डे 15 है, आज कैसा क्या रुझान चल रहा है भाई साहब, आज भी ये मूवी सरवाइव कर रही है क्योंकि वर्किंग डेज की रेज बहुत ही जबरदस्त होती है, बड़े से बड़े सुपरस्टार की धज्जियां उड़ती है, और प्रभास और शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार और कहां मिलेंगे हमको इंडियन सिनेमा में, जब इन्हीं लोगों की ऐसी बुरी हालत हो रही है इन वर्किंग डेज में, तो और बाकी उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। डे 15 की बात बताऊं, आज वर्किंग डे है, आज की बात बताऊं तो भाई 13% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है, बुकिंग 1.3 करोड़ के आसपास हुई है, नेट इंडिया से 4 करोड़ का कलेक्शन आते नजर आ रहा है। भाई साहब प्रभास जैसे सुपरस्टार का नाम जुड़ा है, सालार जैसा कॉन्टेंट है जहाँ वायलेंस एक्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मूवी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर है, बावजूद इसके भाई बहुत कम कलेक्शन देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया से 7.5 करोड़ का आज एंड ऑफ द डे तक, एंड पहले 15 दिन में ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 688 करोड़ के आसपास सर्वाइव करते नजर आ रही है। वैसे जो ऑफिशियली आंकड़ा आएगा तो हो नो ये 680 करोड़ हो जाए, या ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से रिवील आउट करेंगे जैसे पोस्टर बाई पोस्टर डंकी के मेकर्स कर रहे हैं, वैसे ही अगर सालार के भी करेंगे तो शायद 700 करोड़ भी हो सकता है, फिलहाल 688 करोड़ मान के चलते हैं। बस अब डंकी की बात करें तो डंकी का आज 16वां दिन है, और कल की रिपोर्ट को कवर अप करें, कल डे 15 था, पुअर ग्रोथ है भाई साहब, बहुत ही पुअर ग्रोथ है। लेकिन एक बात है कि भाई साहब सिर्फ हिंदी ऑडियंस के दम पर इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। डंकी को ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल मिली थी लगभग 10% के आसपास, और कल थर्सडे था, वर्किंग डे था, जबरदस्त मार झेली है इसने भी, नेट इंडिया से 2.35 करोड़ का कलेक्शन आते नजर आ रहा है। भाई साहब बहुत नीचे जा चुकी है ग्रोथ, बस आज का दिन और इसने झेल लिया तो कल सैटरडे संडे को एक होप है कि भाई कलेक्शन उठ जाएगा,
कमाई उठ जाएगी, नहीं उठा तो भाई साहब मूवी की ग्रोथ ये खत्म होने वाली है दो चार दिन के अंदर ही। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 4 करोड़, ओवरसीज से 2 करोड़ एंड पूरी दुनिया से 6 करोड़ के आसपास ही मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कवर करते नजर आ रही है। तो पहले 15 दिन में यानी कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कितना कलेक्शन कर रही है टोटल, नेट इंडिया से 206 करोड़ 69 लाख एंड ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ एंड पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 423 करोड़ के आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है। तो भाई साहब आज की बात करते हैं, आज डे 16 है, आज कैसा क्या ऑक्यूपेंसी है, क्या ग्रोथ है। भाई साहब आज 10% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी दिखा रहे हैं, बुकिंग आज एडवांस बुकिंग हुई है लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास, नेट इंडिया से 2 करोड़, पूरी दुनिया से 5 करोड़। तो पहले 16 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का आज एंड ऑफ द डे तक खाते में नजर आ रहा है इसके 428 करोड़। तो भाई साहब लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या 500 करोड़ टच कर जाएगी। भाई बहुत बुरी तरीके से सरवाइव करने लगी, पहले देख के लग रहा था कि 500 करोड़ टच कर जाएगी, लेकिन भाई अभी थोड़ा सा पॉसिबल होता उतना नजर नहीं आ रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ टच कर जाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन टंकी। और सालार का भाई साहब, सालार का क्या हाल है, क्या 800 करोड़ भी टच कर जाएगी, नहीं कर जाएगी भाई साहब, 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, क्या 800 करोड़ भी टच कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स।